कोलांचल के लोग अपने हीरो को दिया सलामी। AK-47 धारी खालिस्तानी आतंकियों से अकेले भिड़ गए थे तेज तरार SP रणधीर वर्मा। एक बार फिर कोरोना का भेंट चढ़ा अशोक चक्र विजेता रणधीर प्रसाद वर्मा की शहादत। खूबी इतनी कि दिल में घर कर जाएंगे, भुलाना आसान नहीं ऐसा कुछ कर जाएंगे। ये पंक्तियां धनबाद के जाबाज पुलिस अधीक्षक शहीद रणधीर वर्मा के संदर्भ में बेहद प्रासंगिक है। धनबाद के बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा में पंजाब के भगोड़े आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो जाने के 31 वर्षों बाद भी वो धनबाद कोयलांचल की जनता के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। ये उनके विशाल हृदय, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण है, वरना हृदयहीन सरकारी तंत्र में धनबाद के इतिहास का यह स्वर्णिम अध्याय कब का नष्ट हो चुका होता। मरणोपरांत अशोक चक्र विजेता रणधीर प्रसाद वर्मा को उनके 31वें शहादत दिवस पर सोमवार को धनबाद वासी अपने वीर SP को सलामी दिए। इस मौके पर धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार, SSP संजीव कुमार, पूर्व मंत्री रीता वर्मा, विधायक राज सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। रणधीर वर्मा चौक पर जिला प्रशासन एवं पुलिस के वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिला पुलिस बल उन्हें सशस्त्र सलामी दिए। रणधीर वर्मा चौक पर स्थित उनके प्रतिमा स्थल पर शहीद की पत्नी एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर रीता वर्मा भी मौजूद रही। सलामी देने के बाद अतिथि उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दीदी थोड़ा सा दीदी इधर थोड़ा सा के नाम पर जो आपत्ति मैंने मैडम ने जताई है उस पर अधिकार किया जाएगा, उसको करेक्शन तुरंत करा लिया जाएगा। आपने भी संज्ञान लिया है के नाम पर स्टेडियम है, विधिवत जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार नामकरण अगर कहीं करेक्शन की आवश्यकता है तो तुरंत किया जाएगा।
क्या कहेंगे उनके साथ? शहीद शहीद जो है ना वो हमेशा हमेशा ही प्रासंगिक होते हैं, और रणधीर प्रसाद वर्मा जी तो ऐसे शहीद हैं जिन्होंने अपने आप को कर्तव्य बलि वेदी पर न्यौछावर कर दिया, और उन्होंने एक खास करके सरकारी पदाधिकारी के लिए एक मापदंड पूरा कर दिया कि स्केल एक लाइन इन्होंने खींचा है, और इस बात के सबसे प्रमुख चौराहे पे इनकी प्रतिमा जो है आज या जो भी पदाधिकारी यहाँ आते हैं उनको प्रेरणा देती है, युवाओं को प्रेरणा देती है, यहाँ के लोगों को प्रेरणा देती है कि हमको कैसे समाज के लिए देश के लिए अपनी धरती के लिए कैसे कार्य करना है। और इसलिए शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा जी की जितनी भी तारीफ की है, और यही कारण है कि आज जीते गए आज रणधीर प्रसाद वर्मा जी के प्रति लोगों का उतना ही प्रेम स्नेह थी, साथ ही साथ आज शहीद श्यामल चक्रवर्ती जी को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने भी जरा सा भी वो डरे नहीं, डिगे नहीं, उन्होंने भी प्रतिरोध किया उन आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, पंजाब से आए हुए जो बैंक लूटने के लिए यहाँ, और वो भी शहीद श्यामल चक्रवर्ती को भी शहीद का दर्जा देने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है, लेकिन मैं इसका समर्थक हूँ। ग्राउंड में जो नाम स्वर्गीय दिया गया है उसके जगह शहीद होना जरूरी है, शहीद होना चाहिए और वो बड़ा बड़ा होना